दोस्तों, ये तो सभी जानते ही हैं कि सर्दी का मौसम चल रहा है। ऐसे में सुबह नहाने के लिए हिचकिचाहट तो हर किसी को होती होगी, और इसलिए बहुत से लोग एक या दो दिन बाद नहाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग 10-10 दिन भी नहीं नहाते होंगे। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोजाना नहाना पसंद करते हैं, फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों न पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आप में से कोई ये जानता है कि जो लोग हर रोज नहीं नहाते, उनके बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया है? अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहेंगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गरुड़ पुराण में भगवान पक्षीराज गरुड़ को स्नान से जुड़े लाभ के बारे में बताते हुए कहते हैं, ऐसे लोग जो प्रतिदिन स्नान करते हैं उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करता है, उसे लौकिक और पारलौकिक फलों की प्राप्ति भी होती है। पुराणों में बताया गया है कि स्नान करने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का ही प्रयोग करें और हमेशा प्रातः काल में ही स्नान करें। ऐसे स्नान से पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। रात्रि में सोते समय व्यक्ति के मुख से लार आदि गिरते हैं, जिससे वो अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर नियमित क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें और इसके बाद ही धार्मिक कार्य शुरू करें। यदि आप बिना स्नान के धार्मिक कार्य जैसे कि पूजा पाठ करते हैं तो इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा आप पाप के भागी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को गरुड़ पुराण के अनुसार पापी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर परेशानियों से घिरे रहते हैं। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह स्नान नहीं करते, वो जाने अनजाने में नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि जहां अपवित्रता होती है वहां नकारात्मकता का वास होता है। गरुड़ पुराण में अलक्ष्मी और कालकर्णी को अनिष्ट शक्तियों के रूप में बताया गया है। हर रोज न नहाने वाले शख्स के घर रोज कलेश होता है और उसकी जिंदगी धन के अभाव से गुजरती है। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों को पापी का दर्जा दिया गया है और परेशानियों से भरा जीवन उसके लिए सजा की तरह हो जाता है। धर्म पुराण में अलक्ष्मी को माँ लक्ष्मी की बहन कहा जाता है, लेकिन अलक्ष्मी माँ लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत है। माँ लक्ष्मी को धन और अलक्ष्मी को निर्धनता की देवी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं करते, उनके घर पर अलक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर पर हमेशा धन का अभाव रहता है। तो वहीं कालकर्णी को विघ्न डालने वाली शक्ति के रूप में जाना जाता है। प्रतिदिन स्नान न करने और अपवित्र लोगों के कार्य में ये बाधा उत्पन्न करती है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।